बाबर ने दिया बड़ा बयान, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होगा बदलाव, नजर आई टीम में ये खामी। दोस्तों क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 के 21वें मैच में पाकिस्तान की टीम ने नामीबियान पर 45 रन से बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही भारत के इस पड़ोसी देश ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है, वो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। कप्तान बाबर आजम टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने से खुश हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो टीम के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। बाबर आजम को लगता है कि पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन नामीबिया के खिलाफ बेहद साधारण रहा। पाकिस्तान की टीम ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में भारत को मात देने के बाद न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और अब नामीबिया को हराया है। इस टीम ने अब तक T20 वर्ल्ड कप में हार का मुंह नहीं देखा है। पाकिस्तान अगर अपने अगले 3 मैच जीत लेता है तो वो दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा कर लेगा। मैच के बाद बाबर आजम ने कहा, आज हम अलग रणनीति के साथ उतरे थे, चाहते थे कि सलामी साझेदारी लंबी हो और हम ऐसा करने में सफल रहे। हाफिज और हसन अली के रूप में हमारे पास 2 अच्छे खिलाड़ी हैं और टूर्नामेंट के अगले चरण में वे महत्वपूर्ण होंगे। बाबर आजम ने कहा, ये महत्वपूर्ण है कि हमने सभी विभागों में अच्छा प्रदर्शन किया। ओस के कारण फील्डिंग में कुछ परेशानी हुई, लेकिन ये बहाना नहीं है, हमें बेहद बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, हम सेमीफाइनल को लेकर उत्सुक हैं और अपना क्रिकेट इसी जज्बे के साथ खेलेंगे। पाकिस्तान के सभी मैच के आंकड़े देखे जाएं तो हसन अली ने सबसे ज्यादा रन खर्च किए हैं और फैंस की भी यही मांग है कि हसन अली की जगह शाहनवाज धानी या फिर वसीम जूनियर को लिया जाए। अगर हसन अली स्कॉटलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो बाबर जरूर हसन अली की जगह पर शाहनवाज धानी या फिर वसीम जूनियर को प्लेइंग 11 में रखना पसंद करेंगे। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।